Hello children, in this video you will get to know how to create hyperlinks in an HTML document. HTML document के अंदर आप hyperlinks कैसे बनाओगे, कैसे create करोगे, okay? और hyperlinks की help से आप कैसे web pages को connect करोगे, fine? कैसे link करोगे, okay? So the question is what is hyperlink? Hyperlink होता क्या है? Hyperlink is a text string or an image. Hyperlink क्या है? या तो टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा आप उसको हाइपरलिंक बना सकते हो, या फिर आप इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हो. ओके, ऑन अ वेब पेज व्हिच व्हेन क्लिक्ड ऑन टेक्स विजिटर्स टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम वेब पेज और टू अ डिफरेंट लिंक्ड वेब पेज. तो जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म है या इमेज की फॉर्म में है, तो क्या होता है, इसकी हेल्प से आप या तो नेक्स्ट वेब पेज पे चले जाते हो, डिफरेंट वेब पेज पे चले जाते हो, ओके या फिर आप सेम वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शन से लिंक हो जाते हो, डिफरेंट सेक्शन पर चले जाते हो, राइट. तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक. दो टाइप के हाइपरलिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल हाइपरलिंक एंड इंटरनल हाइपरलिंक. फाइन, एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स दीज आर द लिंक्स टू अदर वेब पेजेस एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब और टू एन ईमेल बॉक्स. एक्सटर्नल हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो वो आपको कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड वेब में जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी है वहां पर ले जाएंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को वो लिंक करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे, फाइन. या फिर वो आपको किससे कनेक्ट कर देंगे, ईमेल बॉक्स से, फाइन, ईमेल बॉक्स प्रोग्राम से. ओके, नाउ वी हैव इंटरनल हाइपरलिंक्स. इंटरनल लिंक्स आर द लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेब डॉक्यूमेंट. इंटरनल लिंक्स क्या करते हैं, जैसे वेब पेज होता है उसमें लिंक्स दिए होते हैं, गो डाउन. अब जब आप गो डाउन पे क्लिक करते हैं तो आप जहाँ पे जो वेब पेज का बॉटम पोर्शन होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वहां चले जाते हो, राइट. अब अगर दिया हुआ गो आप उस पर क्लिक करते हो तो आप वेब पेज के जो उसका टॉप पोर्शन होता है वहां चले जाते हो, राइट. तो यहाँ पे ऐसे लिंक्स होते हैं विद इन द सेम वेब डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल हाइपरलिंक. ओके ओके, तो अब मैं आपको सबसे पहले एक्सटर्नल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं इसका डेमो देती हूँ. HTML, फाइन, हेड, इन हेड यू विल गिव टाइटल. टाइटल में आप दे दो लिंक ट्यूटोरियल. ओके, यहाँ पे हमने टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल को क्लोज करना है. ओके, टाइटल को क्लोज कर दिया, फाइन. ओके, नाउ बॉडी टैग, राइट. अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग देती हूँ, एंटर योर particulars here. br टैग दे दिया को, br नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, फाइन. अब हम बनाएंगे हाइपरलिंक, एक्सटर्नल हाइपरलिंक. फर्स्ट मैंने दिया ए. ए क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, ठीक है, ओके. और इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स इन HTML. ए टैग क्या होता है, एंकर टैग होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, फाइन. और इसका एट्रीब्यूट क्या है, href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. ओके, एंकर टैग का एट्रीब्यूट हमने यूज किया है href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का मतलब आप हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस दोगे, मतलब आप जिससे आपको लिंक बनाना है उसका यहाँ पे एड्रेस दोगे, मींस URL दोगे, ठीक है, जिस फाइल के साथ आपको अपनी करंट फाइल को लिंक करना है. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस फाइल के साथ हमें लिंक करना है उसका हम यहाँ पे एड्रेस देंगे. ओके, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल लेती हूँ, ये मेरी फाइल है, ठीक है, इसको मैंने ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर कर दिया, तो क्या होगा, इसका मुझे एड्रेस मिल जाएगा, फाइन. ये करने से मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा सी. इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, राइट. और नाउ इसको क्लोज कर दो आप, फाइन. यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी किया, कंट्रोल बी, एड्रेस कॉपी हो गया मेरा. ओके ओके, नाउ अब हम किसको अब हम क्या करेंगे, पहले किसी टेक्स्ट को बनाते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, फाइन। और एंकर टैग क्या है, कंटेनर टैग है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है, फाइन। देन बॉडी एंड देन HTML, फाइन। अब हम इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, इसका नेम दे देते हैं हम linking.html हमने दे दिया, सेव, फाइन। अब ये हमारा आ गया लिंकिंग, ओपन विथ ब्राउजर, आप किसी भी ब्राउजर से, ओके। नाउ सी हमारा क्या आ गया, हाइपरलिंक आ गया। सी जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, आपका नेक्स्ट जो आपने फाइल लिंक की थी फॉर्म वाली, वो फाइल आपकी ओपन हो गई है, राइट। ऐसे ही हमने इस पे अगर आप जो फाइल ओपन हुई है उस पे बनाना चाहते हो वापस जाने के लिए, तो आप इस पर भी हाइपरलिंक बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो अगेन क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, नेक्स्ट फाइल ओपन हो गई, फाइन, ओके। अब इसी फाइल के अंदर अगर आप चाहते हो, फाइन, तो ओके अभी हमें क्या करना है, इस पे भी हमें जो हमने फॉर्म वाली फाइल ओपन की है नोटपैड पे, ओके, तो हम क्या करते हैं, इस पे भी हम क्रिएट कर देते हैं एक हाइपरलिंक, राइट। तो हमने क्या किया, ए एंकर टैग HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ओके। अब जो हमने जो हमारी फर्स्ट वाली फाइल थी, ठीक है, ये वाली लिंकिंग वाली, इसको हम ओपन करते हैं ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइन। अब यहां से इसका हम एड्रेस कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और उसको अपने फॉर्म वाली फाइल में कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी, राइट। और यहाँ पे हम हाइपरलिंक बना देते हैं गो बैक, राइट। और हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे पी टैग लगा, कंट्रोल एस। तो अब क्या हुआ, दोनों पेजेस पे एक दूसरे के लिए हाइपरलिंक हमने क्रिएट कर दिया, फाइन। अब इसका हम डेमो देखेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इस पे क्लिक किया, फॉर्म आ गया। अब मैंने किया गो बैक, गो बैक पहली वाली फाइल आ गई, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म एंड देन गो बैक, ओके। तो दोनों वेब पेजेस पे क्या हो गया, कनेक्टिविटी होगी एक दूसरे के लिए, फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल हाइपरलिंक, फाइन। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया था, ये हमारा टेक्स्ट बना था हाइपरलिंक, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म। अब मैं चाहती हूँ टेक्स्ट की जगह क्या हाइपरलिंक बने, इमेज हाइपरलिंक बने, फाइन। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या दोगे, IMG टैग का यूज करोगे, IMG SRC, फाइन। और यहाँ पे क्या देना है आपको, इमेज का URL देना है, इमेज का एड्रेस देना है। तो हम कोई भी एक इमेज का एड्रेस ले लेते हैं यहाँ से, इमेज, जैसी ये इमेज है, इसको हम कर लेते हैं ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्या होगा, इसका हमें एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस बार से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। यहाँ पे कंट्रोल बी, इमेज दे दिया। अब यहाँ पे आप इमेज की और भी जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक अलाइंग भी यूज कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ भी यूज कर सकते हो, तो सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने सिंपली कोई एट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ इमेज SRC और URL दिया है, ठीक है, कंट्रोल सी। अब हमने इसको सेव कर दिया, नाउ वी विल गो हियर, रिफ्रेश करो, इसको लगता है अभी ये सेव नहीं हुआ है, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, फाइन, ओके। देन लिंकिंग गूगल फॉर्म, लोडिंग, देखो पिक्चर आ गई है। पहले यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, ठीक है, वो सेव नहीं किया था तो पहले वो टेक्स्ट ही दिखा रहा था, राइट। अब यहाँ पे लिंक के आगे पिक्चर, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज, देन गो बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है वो बन गया है हाइपरलिंक, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ गए, गो बैक, फिर आप जो आपका फर्स्ट फाइल थी वहां पर आ गए। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमने पिक्चर को हाइपरलिंक बनाया है। ओके, अब हम एंकर टैग के और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज करेंगे। फाइन, देखो हमने क्या कर, अब यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, टाइटल एट्रीब्यूट, TITLE, टाइटल, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है, द ब्राउजर यूज इट व्हेन डिस्प्लेइंग द लिंक। ब्राउजर टाइटल का कब यूज करता है, जब वो लिंक को शो करता है। ओके, तो ये एज अ टूल टिप वर्क करता है। जब आप माउस को लिंक के ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, जो भी आपने टाइटल में टेक्स्ट दिया है वो अपीयर करेगा। फाइन, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल में दे दिया, दिस इज इमेज लिंक टू फिल फॉर्म। फाइन, मैंने ही दे दिया टाइटल के अंदर। टाइटल क्या है, टाइटल कब आपका अपीयर करेगा, जब आप अपने जो पॉइंटर है, माउस है, उसको ले जाओगे हाइपरलिंक के ऊपर, ठीक है, तो टाइटल को शो करेगा। फाइन, तो ये एज अ टूल टिप वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, दिस इज इमेज लिंक टू फिल फॉर्म, सेव कर दो, फाइन, रिफ्रेश कर दो इसको। अब देखो जब मैं माउस को यहाँ ले जाऊंगी तो आया है, यहाँ पे हमारा आ रहा है दिस इज इमेज लिंक टू फिल फॉर्म। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है, टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में ओपन होगा। तो हम यहाँ पे अब टारगेट का यूज करेंगे। टारगेट, जैसे आपने टारगेट लिया, टारगेट में आप दे दो, आपने दे दिया ब्लैंक, फाइन, टारगेट में आपने दे दिया ब्लैंक। ओके, तो हम देखते हैं, ब्लैंक का क्या यूज होता है, इट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब। तो जो आपका, जब आप क्लिक करोगे हाइपरलिंक पे, जो नया डॉक्यूमेंट, जो फाइल आएगी, ठीक है, या तो नई विंडो में आएगी या फिर नए टैब के अंदर आएगी। फाइन, तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब इस पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आएगा वो या तो नई विंडो में आएगा या फिर नया टैब, विद इन द सेम विंडो न्यू टैब के अंदर आएगा। क्लिक किया तो देखो न्यू टैब के अंदर आ रही है, ठीक है, सेम विंडो के अंदर न्यू टैब के अंदर आ रहा है। फाइन, ऐसे ही आप जो टारगेट होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, ठीक है, फ्रेम नेम, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसमें से कुछ मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो टारगेट आपको पता होना चाहिए, टारगेट का क्या मतलब होता है, इट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे सेल्फ लिया, सेल्फ तो क्या है, क्या होता है इसका यूज, इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट वाज क्लिक्ड, और ये डिफॉल्ट है, मतलब सेम फ्रेम सेम विंडो के अंदर ही आएगा। फाइन, तो ये सेम ही है, इसको करके देखते हैं। ओके, अभी हम गो बैक, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो लिंक डॉक्यूमेंट है कहाँ अपीयर होता है। सेम फ्रेम के अंदर आया है, सेम विंडो के अंदर आया है, ठीक है, सेल्फ के अंदर, सेल्फ मतलब सेम विंडो। ओके, अगेन अगर हम पेरेंट करते हैं तब भी वो पेरेंट फ्रेम के अंदर ही आएगा, सेम विंडो के अंदर ही आएगा। ओके, अगर हम इधर पेरेंट कर देंगे तो भी वो सेम विंडो के अंदर ही आएगा। फाइन, टॉप अगर करते हैं, इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, तो क्या होता है फुल बॉडी में आएगा। इसको टॉप करके देखते हैं हम लोग पेरेंट का, क्योंकि रिजल्ट सेम ही होना है। ओके, तो आप वी विल गो बैक, राइट, रिफ्रेश करो इसको एंड नाउ क्लिक, तो देखो ये आया है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, विद इन द सेम है। तो ये क्या है, इट विल शो यू, अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से करके देखते हैं इसको कि कुछ रिजल्ट में चेंज आता है। लिंकिंग को टॉप करने के बाद समटाइम्स क्या होता है कुछ ब्राउजर्स सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखते हैं क्या होता है। टॉप में क्या है, फुल विंडो के अंदर आएगा। ठीक है, क्लिक। तो देखो ये सपोर्ट कर रहा है इसको। ये देखो अलग से विंडो आ गई है। ठीक है, तो ये जो है ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर इस जो इसका जो टारगेट का ऑप्शन है वैल्यू है उसको सपोर्ट कर रहा है। अलग से एक विंडो हमारी ओपन हो गई है। फाइन। तो टॉप में क्या होता है, इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो एक अलग से विंडो आ गई हमारे पास। फाइन। तो ये क्या है आपका टारगेट एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट अभी हमने क्या किया है, एक्सटर्नल लिंकिंग की है। फाइन, नाउ वी विल डू इंटरनल लिंकिंग, कि इंटरनल लिंकिंग आप कैसे करोगे। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, इंटरनल लिंकिंग करेंगे। ओके अब इंटरनल हाइपरलिंक जब आप क्रिएट करोगे तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन। ठीक है, सेक्शन से आपको लिंकिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट को पहले कॉपी कर लेते। चलो कंट्रोल वी, मैंने कॉपी कर लिया। थोड़ा बड़ा सा है जिससे क्या हो, हम ऊपर नीचे इसको अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है बट ये इतना है नहीं, तो हम बी आर टैग से इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसको जिससे सेक्शंस के साथ कनेक्टिविटी, इंटरनल हाइपरलिंक्स बनाने में क्या हो, हमें आसानी हो। फाइन, तो ये हमने वर्क कर लिया है। ओके इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आप शो कर सको कि अगर लिंक होता है तो पेज स्क्रॉल करता है। फाइन, तो बी आर इसलिए दे रही हूँ जिससे लाइन ब्रेक आएंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा, वो थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा। फिर चलो हमने इतना ले लिया। फाइन, अब मैं बनाना सिखाती हूँ आपको इंटरनल लिंकिंग कैसे करते। जैसे ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे एक वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां पे मुझे, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं वहां पे जाऊं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए एंकर टैग एच आर ई एफ मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस से क्या करते हो आप, रेफरेंस देते हो। अब एक्सटर्नल हाइपरलिंक में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइल होती है उसका एड्रेस देते हैं, यूआरएल देते हैं। पर यहाँ पे क्या, सेम डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दोगे एक पर्टिकुलर वर्ड को एज अ रेफरेंस बनाओगे। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हैश, आपको हैश देना है और एक कोई भी आप वर्ड ले लो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे वेबसाइट। फाइन, ओके नाउ अब मैंने हाइपरलिंक बनाया, टेक्स्ट हाइपरलिंक, गो टू वेबसाइट एंड एंकर टैग क्लोज। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रही हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रही हूँ और मैंने हाइपरलिंक बनाया गो टू वेबसाइट। फाइन, तो जिस पोर्शन के साथ आपको कनेक्टिविटी करनी है उस पोर्शन पे आप जाओ। फाइन, तो अब मैं जाती हूँ, वेबसाइट के साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा वेबसाइट। फाइन, वेबसाइट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप क्या दोगे, ए एंकर नेम। ओके, नेम एट्रीब्यूट दोगे एंकर का और उसको बताओगे कि आप किस वर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। फाइन, पहले आपने ऊपर क्या दिया था, ए एच आर ई एफ, ओके डबल कोट्स हैश वेबसाइट। तो हमने एक वर्ड को कनेक्शन के लिए यूज किया है जिसका जो क्या है, वेबसाइट। फाइन, तो क्या होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, ए नेम उस वर्ड के पास ले जाएगा जिससे आपने कनेक्टिविटी की है, वो क्या है, वेबसाइट है। फाइन, ओके अब यहाँ पे एक हमने ये बनाया, अब एक और बनाते हैं हम। जैसे हमारा ऊपर क्या है, प्रोटोकॉल लिखा है, तो हम एंड में जाते हैं, एंड में हम कर देते हैं ए एच आर ई एफ। ओके, तो मेरा जो स्टार्टिंग का जो है बिल्कुल टॉप पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, तो मैं प्रोटोकॉल ही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हैश प्रोटोकॉल ले लिया। इस वर्ड के इसको मैंने क्या बनाया, कनेक्शन पॉइंट, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैंने लिख दिया गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिया इस पर्टिकुलर वर्ड को, प्रोटोकॉल को। अब हम इसको क्या बनाएंगे, कनेक्टिविटी की पॉइंट बनाएंगे। तो आप कहाँ पे दोगे इसको, प्रोटोकॉल से ऊपर दोगे ए नेम। किस नेम से कनेक्टिविटी कर रहे हो आप, प्रोटोकॉल से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। किस नेम से किया आपने, प्रोटोकॉल से, फाइन, Ctrl+S, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमने ये सारे ओके तो यहाँ पे देखो गो टू वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, गो टू वेबसाइट कहाँ पे आ गया, वो पेज का पोर्शन आ गया जहाँ पे आपका वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप गो टू पे, ये देखो गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन में अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन, तो हम क्या चले जाते हैं, अपर पार्ट पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर, ठीक है, समझ आया। देखो फिर से देखो सी यहाँ पे, ठीक है, मैंने AHREF वेबसाइट वर्ड के साथ कनेक्टिविटी की, ठीक है। वेबसाइट पोर्शन पे आपने क्या किया, ए नेम देकर वेबसाइट लिखा, तो किस वर्ड के साथ कनेक्टिविटी हुई, वेबसाइट कनेक्शन पॉइंट बनाए, ठीक है, ओके। ऐसे ही मैंने डाउन में क्या किया था, गो टू प्रोटोकॉल सेक्शन पे क्लिक किया, ओके सॉरी गो टू प्रोटोकॉल दिया AHREF प्रोटोकॉल वर्ड को मैंने क्या बनाया, कनेक्शन पॉइंट, ठीक है, और हाइपरलिंक क्या दिया, गो टू प्रोटोकॉल। तो जब आप ऊपर जाओगे तो प्रोटोकॉल से पहले मैंने क्या दे दिया, ए नेम प्रोटोकॉल, फाइन, ओके। अब फिर से मैं दिखाती हूँ करके, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब प्रोटोकॉल आ गया, देखो प्रोटोकॉल थोड़ा नीचे आ गया, गो टू वेबसाइट किया तो वेबसाइट वाले पोर्शन पे हम आ गए हैं, देखो यहाँ पे वेबसाइट आया हुआ है, ठीक है। और अगर गो टू प्रोटोकॉल किया तो आप अब चले गए जहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ये क्या हो गया, हमने इंटरनल हाइपरलिंक किया, फाइन। अब हमें अगर एक्सटर्नल हाइपरलिंक करना है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक बना रहे हैं, फाइन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल हाइपरलिंक में अभी आपने क्या किया था, फाइल टू फाइल को कनेक्ट किया था। अब मैं चाहती हूँ एक फाइल से दूसरी फाइल के एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम कनेक्ट करें, ठीक है, पूरी फाइल की जगह हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को। अब मैं ये आपको मैं क्यों करवा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल हाइपरलिंक कर लिया है, इंटरनल हाइपरलिंक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हाइपरलिंक का यूज कर रहे हैं, मतलब एक फाइल में हम एक फाइल से दूसरे फाइल के एक पर्टिकुलर सेक्शन को कनेक्ट करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो हमारा हमने पहले जो अभी इंटरनल की बनाई है फाइल, उसका हम URL ले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल की फाइल का ले लेते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये रिफ्रेश नहीं थी, रिफ्रेश करते उसको, ओके। यहाँ से हमने इसका ले लिया URL, कंट्रोल सी ले लिया, हमने इसका URL ले लिया, ठीक है। इस फाइल से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, Ctrl+V, फाइन, इस फाइल के साथ कनेक्टिविटी। अब मैंने URL ले लिया, इंटरनल लिंकिंग वाली जो हमने फाइल बनाई थी, ठीक है, उसका मैंने URL ले लिया, एक मैं नई फाइल बना रही हूँ। लेकिन अब मैंने क्या चाहती हूँ, मैं उस फाइल के पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्टिविटी चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हैश वेबसाइट ले लिया, फाइन, कि वेबसाइट वाले पोर्शन के साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है, ओके। तो हम दे देते हैं गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ये दे देते हैं गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है, ओके। बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज, ठीक है। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है, इसकी मैं कनेक्टिविटी कर रही हूँ दूसरे वेब पेज के साथ, और उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ, वेबसाइट पोर्शन के साथ, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, इसको आप दे दो new.html, ठीक है, सेव। अब हम इसको ओपन करते हैं, न्यू को, ओपन विद Google Chrome, ठीक है। हमारी लोड हो रही है, न्यू डॉट एचटीएमएल आ गई। गो टू वेबसाइट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है, इस पे क्लिक करो। देखो कौन सा सेक्शन आपका ओपन हुआ है, यहाँ पे कौन सा सेक्शन ओपन हुआ है, वेबसाइट वाला। अगर हम इसको पेज को स्क्रॉल करते हैं तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने कहाँ से कनेक्टिविटी की थी, हमने वेबसाइट वाले पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी की थी, ठीक है। तो आप इसको देखो, हमने यूआरएल दिया हैश और जो वर्ड एज अ कनेक्शन यूज किया है वेबसाइट, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपकी फाइल है उसमें ए नेम वेबसाइट लिखा हो, ठीक है, ए नेम। तो ये ऑलरेडी हमने जब इंटरनल लिंकिंग किया था तो इस फाइल में किया हुआ है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब हमने अभी इंटरनल लिंकिंग किया था तो इस फाइल में हमने दे रखा है वेबसाइट के ऊपर ए नेम किस वर्ड के साथ लिंकिंग कर रखे है, करी हुई है, ए नेम वेबसाइट, फाइन। तो ये देना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना कि जिसके साथ पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो उस वेबसाइट, उस पर्टिकुलर फाइल के टेक्स्ट फाइल में ये हो ए नेम वेबसाइट, फाइन। तो हमने क्या किया, कनेक्टिविटी किसके साथ क्रिएट कर दी, एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करी, फाइन, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट हाइपरलिंक टू एन ईमेल बॉक्स। एक जो आपके सिस्टम पे मेल प्रोग्राम, मेल बॉक्स प्रोग्राम होगा, आप उससे क्या करोगे, हाइपरलिंक उसके अंदर करोगे क्रिएट, फाइन। क्या होता है ईमेल लिंक्स, ईमेल लिंक्स आर द लिंक्स व्हिच व्हेन क्लिक्ड अपॉन ओपन द डिफॉल्ट मेल प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ईमेल लिंक वो लिंक होते हैं जब आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या करते हैं, आपके जो सिस्टम पे डिफॉल्ट मेल प्रोग्राम है, कोई भी मेलिंग प्रोग्राम है, उसको ओपन कर देते हैं, ओके। एंड जो आप इसके अंदर ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे वो कहाँ, उसके क्या होगा, टू वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ओके। और जो आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सब्जेक्ट में एज इट इज टाइप हो जाएगा, फाइन। तो इसको हम कैसे करेंगे, HREF रेफरेंस, ओके। अब हम लिखेंगे मेल टू, फाइन। अब यहाँ पे आप कोई भी वो दे दो ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने दिया abc@gmail.com, फाइन, दे दिया, ओके। अब मुझे सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट तो मैंने लिया क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट में मैंने दे दिया जैसे सेंट बाय दीप्ति, ओके, सब्जेक्ट दे दिया, फाइन। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हाइपरलिंक का टेक्स्ट देंगे, जैसे इसको हम दे देते हैं ईमेल लिंक, दिस इज ईमेल लिंक दे देते हैं, दिस इज ईमेल लिंक, दिस इज ईमेल लिंक, ओके। और मैंने इसको कर दिया क्लोज, फाइन। अब इसको हम कर देंगे सेव, कर दिया आपने ईमेल लिंक, फाइन, सेव कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन विथ, ओके, टेक्स्ट फाइल मैंने डॉट एचटीएमएल नहीं किया ना, सेव एस ईमेल लिंक डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल जरूर करना है, डॉट एचटीएमएल, सेव, फाइन। अब हम इसको क्लिक करेंगे ओपन विथ, गूगल क्रोम से कर लो या किसी से भी कर सकते हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कर सकते हो। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, दिस इज ईमेल लिंक, फाइन। तो आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा, फाइन। नाउ सी, जो आपने क्या दिया था, ईमेल एड्रेस दिया था, वो टू आपके जो ईमेल प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है, वो ओपन हो गया है, फाइन। तो ईमेल एड्रेस कहाँ पे आ रहा है, टू सेक्शन में आ रहा है, और सब्जेक्ट दिया था मैंने सेंट बाय दीप्ति, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमने बना लिया है ईमेल बॉक्स, ईमेल लिंक बना लिया है, फाइन। तो अब इस वीडियो में हम लोग ने कवर किया एक्सटर्नल हाइपरलिंक, ओके, इंटरनल हाइपरलिंक, ओके, लिंकिंग टू द ईमेल बॉक्स, फाइन। और वी लर्न्ड आल्सो कि हम टेक्स्ट को भी लिंक बना सकते हैं और इमेज को भी लिंक बना सकते हैं, और हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक से किसी भी फाइल के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंकिंग कर सकते हैं, ओके।